बेमौसम बारिश तेज हवाओं के कारण केले व गन्ने की फसल बर्बाद हो गई, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान केले की फसल का हुआ। पांकेगंज थाना क्षेत्र में केले की खेती करने वाले किसान काफी चिंतित। किसानों के चेहरे पर मायूसी, लेकिन किसान कुदरत के आगे मजबूर। सोमवार दोपहर के बाद अचानक मौसम बिगड़ जाने से किसानों के हालात बिगड़ गए। ब्लॉक पांकेगंज क्षेत्र में दोपहर लगभग 2:30 बजे तेज आंधी व बारिश में किसानों की फसलें तहस नहस हो गई। पिछले वर्ष भी केले की फसल अच्छी नहीं थी, ना ही रेट अच्छा था। इस वर्ष का रेट अच्छा था, सोचा था पिछली बार का नुकसान इस वर्ष पूरा हो जाएगा, लेकिन तेज हवा और बारिश की वजह से सब नुकसान। क्या नाम है आपका? भारत। कहाँ रहते हो? पांकेगंज। अच्छा, आपका कितना नुकसान हो गया इस बारिश में? नुकसान भैया लमसम 2.5 बीघे केला लगा हुआ था, और यही पिछले साल भी मान लिए लगाया था भैया, उसमें भी नुकसान हो गया रेट ना मिलने के कारण। और इस साल थोड़ा केला अच्छा था, तो इस बार तो आंधी तूफान ने उसको भी गिरा दिया। तो मान लो उसका लागत भी नहीं हम लोग निकाल सकते हैं, जो भी लगा है कर्जे से लगाया था केला, और पौध भी के कर्जे से ही लाए थे, लेकिन इस साल तो बिल्कुल आंधी तूफान ने बिल्कुल कमर ही तोड़ दी, बिल्कुल जो भी था सब नुकसान हो गया। कहना क्या है, हमने 2021 में प्रति पेड़ 17 रुपए के हिसाब से लगाया था 3 बीघे में, तो 1 बीघे में 200 पेड़ के करीब में लगते हैं, तो 17 रुपए के हिसाब से ये हमारा समथिंग 17-18 हज़ार रुपए पड़ा था इस खेत में। पौध का खर्चा, लेबरी का खर्चा और खाद का खर्चा, जुताई गुड़ाई सारा पैसा लगा करके। पिछले साल भी जब मेरी फसल तैयार होने वाली थी तो बहुत तेज आंधी आई, तूफान आया, उसमें भी मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद जो रेट मिलने थे वो भी रेट नहीं मिले थे, 5-6 रुपए नुकसान झेलना हम लोगों को पड़ा था। और 2021 में जब कटा केला, 22 में कटा जब केला, तो मैंने कहा पेड़ी रख लेते हैं। पेड़ी रखने के बाद सोचा देखो क्या करना है, सोचा घर पे सलाह लिए, पैसा नहीं था, फिर कर्जा ब्योहरा लेकर के हमने पेड़ी की खेती चलो सोचा करेंगे। करने के बाद अब फसल हमारी तैयार हुई थी, और ये 2023 में इतनी तेज बारिश आंधी तूफान आया और कर्जा ब्योहरा लेकर के हमने फसल तैयार की थी। ये देख लीजिए भाई, हमारी सारी फसल खराब हो गई है। अब इस पे हम क्या कहें, अब कर्जा लेकर लगाए थे फसल, सारी फसल नुकसान में चली गई, हमारी तैयार फसल थी।